बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां प्रयागराज के करैली क्षेत्र में हर साल लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है और पूरे पूरे घर डूब जाते हैं। उसी को लेकर आज व्यापार मंडल नूरला रोड अध्यक्ष शाहिद कमाल और बबलू ने मुस्तफ़ा गार्डन में एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसका संचालन नई मूवी ने किया। इस मौके पर नागरिक और क्षेत्रीय पार्षद भी सम्मिलित हुए और बांध बनाने को लेकर चर्चा हुई और अब इसके लिए रूपरेखा तय करने पर अपने अपने विचार रखे और साथ ही लोगों की परेशानी दूर करने के लिए एकजुट होने की मुहिम चलाई। आइए सुनाते हैं उसी बात की मीटिंग के कुछ अंश आपको। जब हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि हम लोगों के जमाने में जब पड़ोस का हरिया जाता था, राम नारायण जाते थे कहीं दूर दूसरे गांव में, रिश्तेदारी की शादी है, उन्हें ये एहसास होता था कि रात में हम लौट कर नहीं आएंगे, अपनी बेटियों को, जवान बेटियों को हम लोग के कहीं छोड़ के जाया करते थे। अपने घरों का पैसा तो बैंक वगैरह होता नहीं था, अपने घर का कीमती सामान और पैसा हम लोगों के घर में छोड़ कर जाया करते थे। और उन्हें इस बात का यकीन था कि शफीक साहब के घर में हमारे पैसे का कोई गबन नहीं होगा, कोई पैसा नहीं मारेगा, हम लोग घूमें करेगी। और आसपास के सभी सम्मानित, जब कर्फ्यू लगता है तो हमको फजर की नमाज जरूर याद आती है, क्योंकि हम फजर की नमाज फिर पढ़ने जाएंगे, पुलिस वाले दो डंडा मारेंगे, फिर उसके बाद हम चिल्लाएंगे कि कौम के साथ अत्याचार। लेकिन हकीकत यह है कि कौम को जिंदा करना और कौम को एक साथ लेके आना, नहीं भाई इस पर कोई लोग आए, बबलू भाई है, नहीं भाई तमाम लोग हैं, ये सब गैर राजनीतिक लोग हैं, ये समाज सेवी के रूप में इलाहाबाद में जाने जाते हैं। अच्छी पहल किया है आप सबने मिलकर, और हमें लगता है कि उन लोगों को इसमें ज़्यादा शामिल होना चाहिए था जो लोग वाकई में बाढ़ पीड़ित हैं। और अभी जानकारी मिली कि आप लोगों ने लाउडस्पीकर के जरिए, रिक्शे उक्शे के जरिए ये अनाउंसमेंट कराया लोगों के बीच में कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हैं, अपनी बातों को रखें। कल नेम भाई ने पोस्ट किया तो उसमें हमने लिखा कि नेम भाई हमें भी आना है। उसके बाद हमने नेम भाई को फ़ोन किया तो नेम भाई ने कहा कि किसी पार्टी के निर्भर से नहीं, व्यक्तिगत नफी सलमा के रूप से आना है आप। तो हम आपको बताएं नेम भाई, और बाढ़ को देखने के बाद एक अजीब सा एहसास हुआ, ऐसा एहसास कि दिल और दिमाग को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खराब कर देने वाला। 13 में बहुत ज्यादा समझ नहीं पाए, लेकिन जब 2016 में करेली में बाढ़ आई और इसको हमने बहुत करीब से देखने की कोशिश की, शायद दिन और रात के 24 घंटे में 16 घंटे हमने उस बाढ़ पीड़ित इलाके में अपने आप को शामिल रखा, और वहां की जो बच्चों की, माओ की, बहनों की और भाइयों की, बुजुर्गों की जो चीख पुकार की आवाज आई, और जो हमने करीब से उनकी गृहस्थियों को बर्बाद होते देखा, वाकई में जब 2013 की बाढ़ याद आती है तो दिल कांप जाता है। और आपने भी बयान दिया है भाई, हमारे आरिफ भाई कौन थे वो भी उन्होंने बयान दिया, ये बात सही है कि वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें जब तक सरकारी तंत्र का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, निश्चित तौर पर हम लोग लाख कोशिश कर डालें, लाख पैसे का इंतजाम कर डालें, लाख दानिशमंद ताकतवर लोग हम लोग साथ हो जाए, लेकिन उस काम को हम लोग अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र से माननीय विधायक जी हैं, इलाहाबाद शहर की मेयर साहिबा है, इस क्षेत्र की सांसद हैं, उन लोगों से एक बार डेलीगेशन, एक आम नागरिक के तौर पर हम भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, उनसे या उनको मीटिंग के माध्यम से उनको बुला के उनसे बैठ के और तमाम सामाजिक लोगों के साथ बैठ के बातचीत कराया जाए और उनके दिमाग में ये बात डाला जाए कि आपके नेतृत्व में अगर ये काम हो जाए तो निश्चित तौर पर हम लोगों को बड़ा सुकून और बड़ा आराम मिलेगा। एक चीज और हम बता दें, 2016 के बाद माननीय महापौर जी
की बात हुई तो हमें याद आया कि 2016 में जब भयानक बाढ़ आई तो हमने उनको बुला के 2016 में गड्ढे कॉलोनी के नाम से जो पूरा दौस नगर जाना जाता है, जो बाढ़ का सबसे प्रभावित एरिया है, उस एरिया का सर्वे कराया और उसके बाद उनकी जानकारी में सारी चीजें डाला। उस समय कांग्रेस में, माफ करिएगा क्योंकि किसी का नाम लेना है, रीता जोशी जी कांग्रेस में हुआ करती थी, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर थी, उनको बुला के हमने पूरे गौस नगर का सर्वे कराया और उनके द्वारा लिख के उत्तर प्रदेश सरकार को, शायद समाजवादी पार्टी उस वक्त प्रदेश में थी, उस सरकार को यह प्रोजेक्ट भेजा गया। बाद में यह जानकारी मिली कि वो काफी आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब मेरी जानकारी में नहीं है कि वो कहां है। माननीय महापौर जी को भी 2016 में हमने बुला के सर्वे कराया था, उन्होंने वादा किया था कि बहुत जल्द यहाँ की सड़कों, नाली को और नालों को लेके विकास कार्य करा दिया जाएगा, ताकि आने वाले भविष्य में जो बाढ़ है उससे कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत निजात मिल सके। तो इस पर भी हमने जो है कुछ चीजें तय किया है। बहुत जल्द माननीय महापौर जी से हमारा एक डेलीगेशन मिलेगा और उनसे ये बात का अनुरोध करेगा कि बारिश आने से पहले, बाढ़ आने से पहले, खुदा ना करे जब बाढ़ का मामला आता है तो यकीन मानिए कि रूह कांप जाती है। आज भी महकमा 70 से 80 फीट ऊंचाई पर है और आज तक किसी भी बाढ़ में नफीस भाई ऐसा नहीं हुआ कि जब भी जमुना का जलस्तर ऊपर हुआ तो रोड के ऊपर से पानी कभी गया। और ससुर खदेरी नदी के बारे में हम लोग तो सभी जानते हैं कि लगभग 70% उसका अस्तित्व समाप्त है। हम उसमें से पानी ले जाकर के जमुना में अब नहीं डाल सकते। अगर उस पे कपाट की व्यवस्था पूर्व में बनी होती तो आज इतनी जगह है हमारे पास वहां पे ससुर खदेरी नदी या फिर दसौरा जिसको बोला जाता है कि हम पूरे शहर के बरसात का पानी अगर वहां चला जाए तब भी हम बाढ़ से पीड़ित हमारा क्षेत्र नहीं होगा। इतनी जगह है वहां पे। लेकिन जब उस दिन हम और नई भाई वहां पर पहुंचे, आदिश भाई भी हम लोगों के साथ थे, जब वहां पहुंचे वहां हम लोगों ने यह देखा कि सबसे निम्न स्तर पर जमुना है इस वक्त, उसके बाद भी लगभग 4 से 5 मीटर जमुना का पानी ससुर खदेरी में इंटर कर चुका है। नहीं भाई, ये हमने आपने देखा। तो जब इस पे बात आएगी कुछ सम्राट लोग मिलकर के इसको बनाने, क्या ऐसा हो सकता है, उसमें मैंने बोला था नवीन भाई कि कम से कम हम लोग के क्षेत्र के नुमाइंदे हैं, हम लोग जैसे विधायक हो गए जो मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं, या हमारी अभी अभी नई नई सांसद बनी है रीता जी, अच्छी महिला है, काम करती है, काम करने वाली लड़ी है, तो हम लोग एक ग्रुप बना करके, जैसे हम लोग इतने ही बहुत है, किसी काम करने के लिए बहुत जरूरी नहीं है कि 500 आए 250 आए या 2 लाख जनसंख्या है तो इतने क्यों नहीं आए थे। एक आदमी अगर आपने ये सोचा तो आपने ये नहीं सोचा होगा कि इसमें कितने लोग आए, लेकिन आज देखिए कम से कम 100-150 लोग ऐसे सम्राट लोग बैठे हैं जिनको हर मोहल्ले, हर गली, हर जगहों पे कम से कम 100-150 लोग जाने वाले होंगे। इसके लिए जो आए उनका स्वागत है, जो नहीं आए उनका भी स्वागत है। तो हम लोग एक ग्रुप बना करके इसमें चला जाए, उससे ये फायदा होगा कि एक सरकारी अनुमति भी हम लोगों के पास होगी। ये बात हम अपनी वहां भी रख सकते हैं कि अगर आपके पास फंड नहीं है या आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है तो हम लोग खुद तैयार हैं। और बिल्कुल इसमें क्षेत्र की सांसद हमारी मौजूदा सांसद है, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल मदद करेगी, इतना मुझे पूरा भरोसा है। और अगर हम लोग इसमें कामयाब हो गए, इंशाल्लाह हम लोग कामयाब हो गए, तो करेली को पिछली इतनी त्रासदियां हुई है उससे हम लोग इसको बचा सकते हैं। और जिन लोगों का घर इसमें पूरा डूब जाता है, ये जरूरी नहीं है कि वो लोग यहां तक आए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से उन लोगों ने मिलकर के हम लोगों को इस जगह तक पहुंचाया है कि हम लोग उनकी बात कहीं भी रख सकते। जरूरी नहीं है कि उसके लिए पार्षद हो, कोई नेता हो, आप भी लोग जो बैठे हैं, हर किसी का अपने अपने मोहल्ले में एक सम्मान है, हर क्षेत्र में सम्मान है। आप लोग 100, 200, 500, 700 को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने इस लायक आपको बनाया है कि आप उनकी लड़ाई लड़ लें, हम उनकी लड़ाई लड़ लें, हम लोग चलते हैं और इंशाल्लाह इसका हर जरूर निकलेगा, 100% निकलेगा, एक बार चलकर देखें जरूर निकलेगा। घर डूबा, डूबा चैंबर डूबा, तो मैं उस पर खातिर रियाज मंत्री थे, राज मंत्री, उनके पास में गया, अपने लेटर बैठ के बहुत सख्ती के साथ लिख के दिया, 8-10 लोगों का साइन भी कराया, हमने 2-3 लेटर उनको दिए। उसके बाद वहां से इंक्वायरी हुई और हमने केस को बहुत अच्छे से ड्राफ्ट किया था, लेकिन उससे हमसे गलती हो गई थी कि पूरी केस को हमने ड्राफ्ट नहीं किया। हम सोचे कि उस वक्त 2-3 इंजीनियर आए, वो ड्राफ्ट को डीपीआर का प्लान बनाया, उसमें एक इंजीनियर बहुत होशियार था, उसकी बातें बताना चाहता हूँ। उसने मुझसे कहा, साहब भाई आप बड़े प्रोजेक्ट खुल जाएंगे, आप जो अनंतपुर का सर्वे किया, उसने कहा पालिया पालिया पालिया
उसने एक अफसर था, उसने कहा साहब ये जगदीपुर का बंधा, उस जमाने में अंग्रेजों के बनाते थे बंधा होता था, तो ताकि कभी बाढ़ आ जाए तो ब्रिज टूट जाए तो पानी क्रॉस कर जाए, उसने अंगदीपुर का बंधा है आधा बंधा कहलाता है। वो गया तो जगह उसने देखा तो बिल्डरों ने एक तत्व पाट डाला है पूरा, एक होल खाली बचा है जिससे पानी घुसता है। उसने पूरी प्रॉब्लम, जैसे हम चाहते हैं इसके चार पांच एंगल पे प्रॉब्लम है, एक तो अयोध्यापुर का बंधा और एक गेट लग जाए जो 20 लाख या 10 लाख जो प्रोजेक्ट में 1 करोड़ तक का भी हो सकता है। वो लोग कहने लगे हम लोग 2 करोड़ का प्रोजेक्ट पेश करेंगे, 1 करोड़ फिर हम लोग खाएंगे, 1 करोड़ का लगेगा, 12 लोग प्रोजेक्ट चाहे 50 लाख का हो, बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब 8-10 मीटर मिट्टी कूदनी है और एक उसमें लगा देना है गेट, तो करेली का वो इलाका जो बहुत सारा डेटा कॉलोनी सेफ हो जाएगा। फिर कुछ अफसरों ने झगड़ा होगा कि भाई फिर इसमें परवेश टक्की साहब बोलेंगे उनकी कॉलोनी है, आपको सैदुल्लाह साहब की कॉलोनी है, वो बस्ती डूबेगी उसका क्या होगा, अगर उसको भी हम लोग ठीक करेंगे तो फिर ये पानी और आगे बढ़ जाएगा, तो कई टेक्निकल इससे मैटर है। तो इस मैटर को अफसरों ने यहां तक हमसे कहा कि सत्य के साथ अब तो ये होगा कि अगर आप ज्यादा आगे लिखोगे, ज्यादा फोर्स करोगे, इसमें 2 करोड़ जब पैसा आएगा तभी काम होगा, नहीं काम नहीं होगा, वो ठंडे प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा सबसे पहले तो आपका मकान गिराएंगे, कहा जितनी जेके आसियाना में जमीन ले नाले ने मकान बनाया है ये लो लेवल के मकान है, ये बिना नक्शा पास, उन्होंने कह दिया लोन की जमीन है, किसी की जमीन नहीं थी, ये सब अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। हम भी डर गए और कहा कि अब आप लोग समझ लीजिए कि 2-3 साल तक तलवार हम लोगों को लटकी थी जमीन बहुत के जमाने में, ये अब गिरेगा तब गिरेगा। उन्होंने इस जेई को मारा, उस जेई को थप्पड़ मारा, ये चलता रहा, हम लोग चुप हो गए। तो हम ये भी चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि हम लोग ये काम शुरू करें, उधर सब लोग लो लेवल वाले जितने बैठे तक कॉलोनी में है उससे बदतर वो लोग कहते हैं बेचारे भाई हम तो 1 महीना रो लेंगे लेकिन 11 महीना तो रहते हैं, ऐसा ना हो जाए 11 महीना रहने का रास्ता भी साफ हो जाए, तो इसका भी बड़ा ध्यान रखना है। तो इसमें मैं समझता हूँ नफीस अनवर साहब सबसे कंपेटेंट है, रीता बबना मैडम के बहुत करीबी रहे हैं, ये हैसियत नफीस अनवर की जब जाएंगे तो यकीनन उन्होंने सब देखा है समझा है, वो अगर रिकमेंड कर देंगी तो कम से कम 2 हिस्से की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अंधीपुर वाला जो बंधवा बन जाएगा और उसमें थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा तो काम चल जाएगा, और हम मोहतरम से गुजारिश भी करेंगे जो पैसे का फंड अगर आप चाहते हैं वो इसमें बहुत कम पैसे का फंड आ जाएगा, इसकी रोसी मिलना भी आसान होगा। बनस्पत जब आप बड़े पुल की बात करेंगे तो वो शायद रोसी भी ना मिल पाए। ये अंधापुर का अंधीपुर पर जाइएगा एक अलग से रोड है अंधीपुर गाँव की, उसी ने कहा था कि 4-5-2 मीटर खाली इसकी हाइट पड़ जाए और एक गेट लग जाए बस काम खत्म। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं, इसमें आने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कुछ बड़े प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो आपको प्रॉपर चैनल से जाना पड़ेगा, और ये भी ध्यान रखिए ऐसा ना हो कि बस्तियां उजड़ जाए, क्योंकि ये कॉलोनी आज भी अथराइज नहीं है। अभी हम लोग बेचेंगे तो 20-25 लाख मिलता है, सिविल लाइन में हमारी प्रॉपर्टी होती 50 लाख की होती, तो ये मानते हैं कि ये लो लेवल में है, जमीन पर हमने बस्ती कुछ इलाकों में नहीं बसाना चाहिए था, सारे पैमाने को नहीं माना उन्होंने, लेकिन अब बस्ती बस गए और 20-30 साल हो गया, हमारा राइट हो गया इसमें, अब तो ये धीरे धीरे लीगल होने ही है। तो लीगल की बात ही करें चाहे 1,000-50,000 रुपया हम लोगों को देना पड़े, ऐसा ना हो कि गिर जाए। जिस तरह 3 साल बाढ़ पीड़ित व्यवस्था में रह सकता हूँ, मेरे दर्द और दुख तकलीफ को जिस तरह मैं लोग झेल रहा हूँ हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं लोग बाढ़ पीड़ित हूँ और व्यवस्था में लोग ऊंची व्यवस्था में रहते हैं वो लोग मेरे दर्द तकलीफ को दूर से समझ सकते हैं, लेकिन जिस पीड़ित व्यवस्था में मैं लोग रहता हूँ मेरे दर्द और व्यवस्था को अगर उस बाढ़ पीड़ित मेरे में रह करे समझ जाए तो उनको समझ सकता हूँ, मेरी दर्द व्यवस्था को समझ सकते हो, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो चाहे हमारा पार्षद हो कोई नहीं समझ सकता, वो सिर्फ बाताओं को अपने समझता में रख सकते हैं, लेकिन हमारे व्यवस्था में जिंदगी में रह को गुजार ले उस नाच पीड़ित व्यवस्था में हम लोग भी रह रहे हैं, हर दर्द हर तकलीफ को हम अपनी दुख और तकलीफ में अपने दिल को ही तकलीफ में रह के गुजार सकते हैं, लेकिन हमारे तकलीफ को कोई सांसद विधायक नहीं तकलीफ सक सकता, मैं अपनी आवाज उठाता हूँ लेकिन कोई सुन नहीं सकता, मेरे दर्द होता है लेकिन कोई समझ नहीं पाता, ऐसा सांसद ऐसा विधायक किस पार्षद का हो जिस तकलीफ में मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ लेकिन कोई समझ नहीं पाता, आज उस एरिया में देखे क्या तकलीफ है क्या जिंदगी है। हर वर्ष मैं सुनता हूँ कि कोई कहता बांध बनेगा, कोई कहता मैं इस पे विचार करूंगा, अरे कोई उस पे निधि भर करके दिखा दो, मैं समझ सकता हूँ चाहे बीजेपी हो चाहे सांसद हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, लेकिन उस पर कार वर्ग तबाह करने की व्यवस्था होना चाहिए उसके अंदर, बात बोलने की हर इंसान के अंदर कुवत है लेकिन कार करने की हर इंसान के अंदर कुवत नहीं है। लोग कहते हैं बोलता हर कोई लेकिन कार करके दिखाओ, मानव के अंदर ताकत वही है जो हर तकलीफ को समझ सकता है, हर कोई इंसान जिंदगी को गुजारता है लेकिन हर किसी को तकलीफ नहीं समझ सकता,
हम लोग जो जिंदगी गुजार रहे हैं लेकिन हर कोई समझ नहीं सकता। है बहुत इज्जत दी है, बहुत शौहरत दी है, उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, सही हाथों में होना चाहिए। इन पैसों का भी हमको हिसाब देना है मरने के बाद कि हमने क्या कहते हैं अपने पैसे को किस राह में खर्च किया। हमने तो तुम्हें दिया था, तुमने किस राह में खर्च किया, हमको इसका भी हिसाब देना है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जैसे कि जिया उबैद ने, नफीस अनवर भाई ने और फजल ने, बहुत जुझारू ये लोग हैं, ये इतने जुझारू हैं कि अगर ये फोन करते तो 100-150 लोग आते। लेकिन ये भी अंदर अंदर जो मुझको फील हुआ कि ये भी अंदर अंदर पब्लिक को टटोल रहे हैं कि उनकी अवेयरनेस कितनी है, जो बाढ़ पीड़ित है वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। क्यों फजल, मुझको ऐसा लगा कि उनको आना चाहिए था। खैर, हो सकता है मसरूफियत है या भी उनका जहन नहीं जा रहा कि जब बाढ़ आएगी तभी उनको बाढ़ की याद आएगी, पानी की याद आएगी, तब वो घबराएंगे। तब हो सकता है हमारी मीटिंग को याद करेंगे कि अरे बाप रे बाप, नई मूवी के कहने पे हम लोग क्यों नहीं गए, उनकी हर पोस्ट को तो हम लोग लाइक करते थे, वहां पे गए क्यों नहीं। फजल मियां के घर काम को हम वाहवाही तो बहुत देते हैं लेकिन फजल मियां के काम में आए क्यों नहीं। लखी जनवर जी जो क्या कहते हैं 16 घंटा, जिन्होंने बताया कि 16 घंटा हम बाढ़ के दौरान क्षेत्र में रहे, लेकिन क्या कहते हैं, मैं समझता हूँ नबीज भाई आपके क्षेत्र का 16 आदमी भी यहाँ नहीं दिखाई दिए। उनको होना चाहिए था, उनकी जिम्मेदारी थी यहाँ पे आना, आपका प्रतिनिधि उनको करना चाहिए था कि नबीज भाई चलिए। आज हमने फेसबुक पे देखा है कि मुस्तफा गार्डन में नई मूवी की और बबलू भाई क्या कहते हैं प्रोग्राम कर रहे हैं, और आप हमारे क्या कहते हैं क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, आप चलिए उनके साथ, उनको जागरूक करना चाहिए था आपको। लेकिन आप माशाल्लाह आए तो इससे आपकी फिक्र दिखती है कि आप देखिए आप जिस क्षेत्र में है जहाँ पे सबसे ज्यादा डूबे लोग हैं वहां से आप आए, जो बाढ़ पीड़ित है वो नहीं है, बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन जैसे कि आप लोगों ने हौसला अफजाई हम लोगों को दिया कि ये चंद लोग यहाँ पे जो बैठे हैं यही पर्याप्त है, जैसा फजल ने बोला, जैसे नफी तनवर साहब ने बोला, जियो भाई साहब ने बोला, ये शाहिद भाई ने कुछ निगेटिव पॉइंट भी बताए, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखे इंशाल्लाह आगे हम लोग काम करेंगे। और जो बाढ़ का पानी हमारे क्षेत्र में आता है, जो हमारे मुसलमान भाई इससे तकलीफ में जाते हैं, इंशाल्लाह वो तकलीफ आप लोगों के सहयोग से और हम लोगों की मेहनत से इंशाल्लाह हो सकता है 6 महीने साल महीने में ये रंग लाए और आप लोगों को कयामत तक लोग याद करेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे बाप दादाओं को डूबने से बचाया और आज हम क्या कहते हैं मकान में रह रहे हैं, आज सुकून से रह रहे हैं। वो लोग बताएंगे जो 2003, 2013, 2016 में डूबे हैं, वो एक किस्सा सुनाएंगे कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ था। तो फिर उनके बच्चे सोचेंगे अरे एक तो नहीं रहेंगे, एक फ्लोर डूबा था, अभी भी तो बारिश होती है, पानी क्यों नहीं आता। फिर उनको याद दिलाया जाएगा कि जो बाढ़ बनवाया था फजल साहब ने, जो बाढ़ नफी संवर लोग ने मेहनत किया था, जो शाहिद भाई लोग ने, जो तमाम जितने लोग बैठे हैं इन्होंने जो मेहनत की थी, उन लोगों का नाम लिया जाएगा। आदमी मर के चला जाता है, उनका नाम जिंदा रहता है, पर नाम तभी जिंदा रहता है जब वो इंसान अपने पीछे ऐसे काम को करके जाता है जिसको मरने के बाद भी लोग याद करें, दुआएं दें। हो सकता है हम लोगों के इस मुहिम से, इस काम से किसी की दुआ लग जाए और हम लोगों को गुनाहों की मगफरत हो जाए। हम तो इसी लालच में इस काम के लिए लगे हैं। और देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब